पूज्य महाराज जी को हम लोगों ने एक बार पूछा था जब ट्रेनिंग सेंटर में थे ब्रह्मचारी मिलकर के, महाराज हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो उन्होंने हंसते हुए कहा बाय प्रैक्टिस। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, एक किताब का नाम दिया, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाई ब्रदर लॉरेंस, जिसकी बात कल हुई थी। वो रसोई घर में काम करते, 40 साल तक काम करते करते क्रिश्चियन फादर थे, कार्मेलाइट मॉन्क थे, कार्मेलाइट मॉनेस्ट्री में थे। और वो कहते हैं कि जब वहां प्रार्थना करनी होती थी, मेरा मन बहुत भटकता था, भगवान में मन लगता ही नहीं था। तो फिर बाद में उन्होंने भगवान के साथ बातचीत शुरू की। उनका पैर कट गया था, आर्मी में थे पहले, तो इसलिए दूसरा कुछ काम उनको दिया नहीं जा सकता था, तो रसोई का काम दिया गया था। रोटी बनाते बनाते बोलते, भगवान आज तो ये सब्जी में ऐसा नहीं है, तो क्या करूँ, हे भगवान ये तो आज इस प्रकार से हो गया है, हे भगवान इतने लोग लाना कैसे करूँ। भगवान के साथ बातचीत करते रहते मेंटली। ऐसा करते करते बोलते हैं कि प्रारंभ में भगवान को याद करना जितना कठिन था, उतना ही कठिन भगवान का विस्मरण हो गया। टू फॉरगेट गॉड वॉज एज डिफिकल्ट एज इट वॉज फॉर मी टू रिमेंबर हिम। फिर मुझे महाराष्ट्र ने उदाहरण दिया कि हम लोगों ने यही प्रश्न पूछा था स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष थे, कि हम किस प्रकार से भगवान को कैसा तादाद में रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा जपम जपम जपम, जप करो जप करो जप करो। फिर उन्होंने कहा सब समय मन में जप करो। मैं भी सब समय मन में जप करने का प्रयत्न करता हूं। और फिर बाद में विश्वास मान ने कहा मैं भी वही प्रयत्न करता हूं जो तुम लोग को बोल रहा हूं कि मन में मंत्र का जाप करो। तो यह जो जप के ऊपर भगवान पूज्य महाराज जी का सबसे अधिक उनका एम्फेसिस था, बार बार वो यही कहते थे। और इसीलिए अभी आपने सुना कि कोई कोई साधक जब कहते थे महाराज आपने कहा 108 बार जब करने को, 8 बार जब करने से नहीं होगा। तब महाराज ने कहा अरे तुमको किसी ने जबरदस्ती मंत्र दीक्षा दिलाई थी क्या? अरे तुमको जब करना हो तो करो मत करो, परंतु यदि तुमको ईश्वर के पास पहुंचना है उसके कई रास्ते हैं। तुम जल्दी पहुंचना चाहते हो कि तुम देर से पहुंचना चाहते हो? तुम यदि किसी जगह जाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी पहुंचना है तो एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा ज्यादा ना पड़ेगा। नहीं तो ट्रेन में जाओ, खर्चा कम लगेगा। नहीं तो बस में जाओ, कार में जाओ, और नहीं तो बैलगाड़ी में जाओ, तो खर्चा और भी कम लगेगा, पर बहुत दिनों बाद तुम पहुंचोगे। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कितनी कीमत चुकाना चाहते हो। ईश्वर के पास यदि जल्दी पहुंचना है तो जितना अधिक हो सके मंत्र जाप करना पड़ेगा। इस प्रकार से पूज्य महाराज जी को हमने देखा है, विशेष करके सुबह के समय जब वो जप करते थे तो एक विशेष वातावरण तैयार हो जाता जहां मन अपने आप ऊपर उठ जाता था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां पर बस जाना, चुपचाप बैठना उनके चरणों में और मन अपने आप उद्गामी हो जाता था। एक कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है कि विशेष करके जब वो सुबह के समय जब करते थे उस समय एक विशेष वातावरण पूरा चारों ओर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो जाता था। एक बार मुझे महाराष्ट्र जब वहां पर राजकोट में आए थे, रामकृष्ण आश्रम राजकोट में, तो उस समय महाराज को पूछा महाराज थोड़ा माँ के बारे में कुछ बताइए ना, आपके संस्मरण बताइए ना। महाराज कभी अपने व्यक्तिगत संस्मरण बताना नहीं चाहते। अरे बोले वो सब किताब में बहुत आ गया, जाओ किताब पढ़ो किताब पढ़ो। नहीं महाराज किताब तो पढ़ लेंगे, वो तो पढ़ते ही हैं, आप अपने व्यक्तिगत संस्मरण बताइए। नहीं 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 वो व्यक्तिगत वो सब आया गया। फिर भी जब भक्तों ने पूछा नहीं आपको बताना पड़ेगा,
देखो नहीं आपको माँ कैसी लगे, देखो माँ एकदम सीधी सादी थी, दिखकर पता ही नहीं लगता था कि ये जगत जननी है, कोई विशेष ऐसा था ही बाहर बाह्य दिखाव में एकदम साधारण एक ग्रामीण महिला जैसी थी और बहुत बड़ा घूंघट लगा दी थी। फिर उनको कहा गया What we want is your subjective realization about mother. हम ऑब्जेक्टिव नहीं चाहते, आप सब्जेक्टिव, आपको क्या लगा। तब उन्होंने बताया कि माँ के पास जब गया तब मुझे लगा मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था। ट्रिमेंडस पीस, मुझे अद्भुत शांति मिली माँ के साथ जब उनकी 1916 में जब दीक्षा हुई, जब पहली बार जब जयराम बैठ गया तो उनको मिलने के बाद मुझे अद्भुत शांति का अनुभव मिला और आई फेल्ट आई हैव रीच द प्लेस वेयर आई विश्ड। तो माँ के बारे में बोलना नहीं चाहते। एक बार हम लोगों ने पकड़ा उनको, सब कर्मचारी बताया ना साल में एक बार ट्रेनिंग सेंटर कर्मचारियों को ये सुविधा थी, तो मार्च के आसपास बैठ जाते थे एक घंटा का, जो प्रश्न पूछना पूछो, बातचीत होती थी इनफॉर्मल। महाराज माँ के बारे में कुछ बताइए, अरे वो किताब में है वो सब। नहीं नहीं हम आपके पास जानना चाहते हैं जो किताब नहीं छपा, ऐसा बोलना पड़ेगा। जब नहीं छोड़ेंगे आप लोग ठीक है, ऐसी बात बताता हूं जो आज तक किताब में नहीं छपी। फिर उन्होंने कहा, माँ ने कहा है श्री रामकृष्ण के आविर्भाव से, माँ ने श्री रामकृष्ण ने क्या किया है, ईश्वर दर्शन का मार्ग है अत्यंत सरल बना दिया। जो काम पहले इतने तपस्या से होता था, कठोर तपस्या से होता था, ये सब कुछ सिर्फ मंत्र जप के द्वारा हो जाएगा, बहुत ही सरल बना दिया। कितना सरल बना दिया उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत बड़ा मंदिर था, उसके बहुत बड़े बड़े गेट रहते थे, ये सब बड़े गेट को लॉक किया जाता था, उसका ताला लगाया जाता था, ताला खोलने के बाद दूसरा गेट, तीसरा गेट, ऐसे कई बड़े बड़े गेट आते थे। उसके बाद नाट मंदिर का गेट आता था, फिर नाट मंदिर का ताला आपने खोला, उसके बाद में नाट मंदिर के भीतर में गर्भ मंदिर था, गर्भ मंदिर का ताला खोलना पड़ता था, फिर गर्भ मंदिर का ताला खोलने के बाद स्टॉपर रहता था, उस स्टॉपर खोलने के बाद तब जाकर के भगवान के दर्शन होते थे। श्री रामकृष्ण देव ने आके क्या किया, ये जितने बाहर के गेट थे सब का ताला खोल दिया, दरवाजा भी खोल दिया, गर्भ मंदिर का ताला वो भी खोल दिया, और गर्भ मंदिर का स्टॉपर वो भी खोल दिया। अब केवल एक धक्का देना है, भगवान का दर्शन हो जाएगा, इतना सरल कर दिया। फिर उन्होंने पूछा ये बात सभी सुनिए कभी, बोल रही है तो नहीं सुनिए, देखो उनको नई बात बताई, माँ ने ऐसा कहा था कि भगवान रामकृष्ण ने आकर के इतना सरल कर दिया। बोले और कुछ बताई, नहीं नहीं कीमती चीज, एक बार एक चीज से तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए, इतनी कीमती चीज मैंने बता दी, जो भी होगा। तो पूज्य स्वामी वीरेश्वर जी महाराज स्वयं भी उसका प्रैक्टिस करते थे,